संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने बीते दिनों भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता को रिन्यूअल कराया, जिसके बाद यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी विचारधारा से उलट मुस्लिम वर्ग पर भी पार्टी ने खास रणनीति को तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की सोच से जोड़ना चाहती है। खास बात यह है कि पार्टी अपनी इसी रणनीति की बदौलत एक बड़ा लक्ष्य को पूरा करने का भी दावा कर रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि भाजपा की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में करीब 17 लाख मुस्लिम समाज के लोग निवास कर रहे हैं, जिनमें से फिलहाल पार्टी ने करीब 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये पहले से ही है, हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता, तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित रहा, कोई नई चीज नहीं है। और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया तो स्वाभाविक बात है, वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी।